उसी से पलटू चाचा घबरा गए। कहते हैं ना पलटू चाचा फेरू पलट गए, आरजेडी से हट के बीजेपी में सट गए। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को क्या मंजिल होना चाहिए, वहाँ मस्जिद बन रहा है, मार मस्जिद को तोड़ दिए और उन्हीं के प्रशासन 9 को गोली मार के मुंह आ दिए। वाह रे, बड़ी इंसाफ की बातें कर रहे। सर जब बिल्किस बानो जैसी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, जब हरियाणा में 9 में अत्याचार हुआ वो ऐसे जगह पे इंसाफ नहीं मिला, पहलवान बेटी को इंसाफ नहीं मिला, जो यहाँ पे आप देख लीजिए जो पूरा ओपन करके घुमाया गया मणिपुर में, उन बेटी बहन को इंसाफ नहीं मिला, तो हमारे और आप जैसे लोगों को इंसाफ। यादव जी हमारे शेर हैं, जब शेर को फर्क नहीं पड़ता है गीदड़ को बोलने दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। आज मेरे साथ वह आरजेडी से जुड़ी महिला है जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल बनी होती है। हालांकि इनका कहना है कि तेजस्वी यादव का मुद्दा बहुत बड़ा है। तेजस्वी यादव एक ऐसा पावरफुल आदमी है जो काम तो कराया, भले फॉलोअर टेस्ट में उनका रैंक नहीं आया तो नहीं आया। स्वागत है आपको। धन्यवाद आपका। अच्छा, आपको क्या कहना है, आखिर क्या हो गया तेजस्वी यादव के साथ जो पलड़ा गिर गया उनका? अरे तेजस्वी यादव जी के साथ में क्या हुआ, जब तेजस्वी यादव जी हमारे शेर हैं, जब शेर को फर्क नहीं पड़ता है गीदड़ को बोलने दीजिए, गीदड़ के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हेलो, शेर छलांग लगाता है तो गीदड़ कहाँ गायब होता है ये गीदड़ को खुद ही नहीं पता है। रही बात हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तब तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बेटा है, जब बाप नहीं झुका तो बेटा झुक जाएगा क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक ऐसे व्यक्ति है जो कहते हैं, जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। अरे जो 18 साल वाले कुछ नहीं कर पाए आप देख लीजिए ना, 18 साल में क्या पलटू चाचा आज तक कुछ किए? बिल्कुल नहीं। आप 17 महीना का पन्ना उठा के देख लीजिए। अरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी वादा किए, अपना वादा निभाए। अब देखिए बिहार में नौकरी का बौछार, बिहार में विकास का बौछार, बिहार में रोजगार का बौछार, और बच्चा बच्चा गली गली घर घर कह रहा है अगर रोजगार चाहिए नौकरी चाहिए तो भैया फिर से राजद लाना होगा। यूं आप छात्र पे लाठी चलवाना चाहते हैं, लाइए भाजपा। आप नौकरी मांगिएगा भाजपा लाठी चार्ज करेगी, रोजगार मांगिएगा भाजपा लाठी चार्ज करेगी, महंगाई की बात कीजिएगा महंगाई सीमा पे छुला देगी। तो रही बात 9 साल बेमिसाल, बेमिसाल का पन्ना उठाइए, आज तक मोदी जी कोई काम किए हैं? 17 महीना जो गिना रही हैं आप, 17 महीना तो नीतीश जी बोल रहे हैं कि मैंने काम कराया, उनको कौन पूछता है? मेरे काम कराए पे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो अपना बाहबाई कर रहे हैं। चलिए आप जो बोले एक मिनट के लिए मानते हैं, 17 महीना की बात, 18 साल में कहाँ सो गए थे पलटू चाचा? 18 साल में कहाँ चले गए? बोल रहे हैं कि सारा लिस्ट हम बनाए हुए। सुनिए ना, बनाए थे 18 साल में बिल बनाए थे और आज तक ले किए क्या? 18 साल में जो नहीं कर पाए वो 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे जो करके दिखा दिए, उसी से पलटू चाचा घबरा गए। कहते हैं ना पलटू चाचा फेरू पलट गए, आरजेडी से हट के बीजेपी में सट गए। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? जंगल राज था पहले, नीतीश जी के आने से सुधरा, फिर जनता उस चीज को क्यों दोहरा है? सुनिए ना, आप जंगल राज की बात कर रहे हैं तो मुझे तो कभी जंगल राज दिखाई नहीं, मुझे जंगल राज तो दिखाई, इससे पहले तो जनता राज था। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए तो जनता राज ला दिए, एकदम महाजनता राज। अरे जंगल राज तो अब शुरू हो गया, आप पलटू चाचा जब से आए गुंडाई दंगाई बलात्कारी, आप देखिए मेरे खुद सगे देवर के मर्डर कर दिया जाता है और अभी तक प्रशासन एक भी मुजरिम को अरेस्ट नहीं की, तो क्या कहे जो मेरे घर पे गुजर रहा है तो हम दूसरे को क्या देखे जी? अरे भाजपा वाले लोग क्या करते हैं, जहाँ बेटी बहन का इज्जत तार तार होता है, मणिपुर देख लीजिए, जुड़वा देते हैं, मणिपुर देखिए भाजपा कहाँ से हो गई थी, बिल्किस बानो देखिए भाजपा कहाँ से हो गई थी, दिल्ली में पहलवान बेटी को देखिए भाजपा कहाँ से हो गई थी, हरियाणा 9 में देखिए भाजपा कहाँ से हो गई। तब भाजपा की बात कीजिएगा, तब 2024-25 में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कहते हैं ना अब दूध के बच्चा भी इन पे भरोसा नहीं कर सकता है, कहते हैं मरना कबूल है भाजपा में जाना कबूल नहीं है। इसका मतलब बिहार के राजनीति से पलटू चाचा मर गए, इसलिए मर गए। आप बोले मरना कबूल है भाजपा में जाना कबूल नहीं है, आपके ऊपर तो दूध के बच्चा भी भरोसा नहीं कर सकता है, आपके ऊपर दूध के बच्चा भी भरोसा नहीं कर सकता। काम नहीं करने दिया जा रहा था ना नीतीश कुमार जी को, अभी तक आप ही बताइए डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी,
अभी तक कितने हॉस्पिटल में जाके छापा मारे हैं? अभी नहीं नहीं, अभी तक कितने हॉस्पिटल में छापा? हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो इतना ना काम किए, इतना ना विकास किए कि लोग का एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ। जो 18 साल वाले हैं उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ कि साले 18 साल में हम कुछ नहीं किए और ये 17 महीना में ये तो सब कुछ करके दिया। 12 बजे रात को हॉस्पिटल पे छापा मारना, 2 बजे रात को हॉस्पिटल पे छापा मारना, 3 बजे भोर में हॉस्पिटल पे छापा मारना, अभी तक कौन किया है? पन्ना उठाइए हमको दिखाइए। तो ऐसा कोई नहीं किया है, इतिहास में नाम होना चाहिए, अभी ये जान लीजिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अरे कहते हैं ना, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मुझे सिंगार कर, है कोई तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसा नेता तू उतार लिया इस जमीन पर? तेजस्वी प्रसाद यादव जी कोई हो नहीं सकता है। फ्लोर टेस्ट में इतना कम रैंक क्यों आया, फिर क्यों सरकार बन गई? जिसको चोरी से जीतने की आदत हो, जो ईवीएम से आप देखते हैं वोटिंग जब होता है तो आप देखिए वैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, अगर वैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखाइए, अगर ये लोग जीत गए, आप जो बोलिएगा ना सीमा जमाल, वो अभी तो विधायक नहीं, मेरी बात सुनिए ना, आप वैलेट पेपर से चुनाव करिए, अगर वो जीत गए उनकी ना जमानतें जब्त हो गई, आप जो बोलिएगा वो नसीमा जमाल जी। रही बात आप मेहनत से जीते होते तो बिल्कुल मैं इस जीत को जीत कहती, अरे आप मेहनत से जीते, आप घर से उठा के लाइएगा और बोलिएगा हम जीत गए तो इस जीत को हम थोड़ी मारने वाले हैं, हम जीत तो थोड़ी मानने वाले। फ्लोर टेस्ट में जो जीत हुआ इसको मान सकती कि नहीं मान? इसको कैसे मान सकते है, ये भी चोरी से ही की है। कैसे हो गया? ये भी चोरी से ही की है। आप देख लीजिए जो 3 विधायक को किए गए, ये भी चोरी से ही घर से उठा के लाए हैं। और क्या आप जीत के बोल दीजिए हम जीत गए तो हम मान लेंगे? जनता कोई मान ही नहीं सकता है। जनता और बच्चा बच्चा कह रहा है रोजगार नौकरी चाहिए तो राजद तो फिर से लाना होगा। एक MLA को चुनने के लिए लाखों पब्लिक होती है, अब उन लोगों को कैसे नीतीश जी फरमा देंगे? अरे जब नीतीश कुमार जी का आदमी जैसा जो बोलते हैं पलटू चाचा बोले, नीतीश कुमार जी बोले कि पलटू राम बोले, क्या बोले मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, जब वो पलट गए तो ये बीजेपी वाले लोग तो अच्छे अच्छे लोगों को पलटा देंगे। आज तक ये तो दंगाइये में फेमस रहे हैं, मंदिर मस्जिदे में फेमस रहे हैं, हिंदू मुसलमाने में फेमस रहे, ये क्या नहीं कर सकते, ये क्या नहीं कर सकते? हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ये जान जाएगी आप बात। अरे मोदी जी यही कर सकते हैं हिंदू मुसलमान, अरे इनको नहीं पता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, ये कितना कुछ भी कर लेंगे भाई तो भाई ये रहता है, भाई कभी टूटता नहीं है। रही बात इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी, अब पलटू चाचा उन पे तो एक दूध का बच्चा भी भरोसा नहीं कर सकता है। न्याय हर एक जगह मिल रहा है, अभी हल्द्वानी में देख रही है जहाँ पे मंदिर होना चाहिए वहाँ पे मस्जिद बन गया था, तो मंदिर बन रहा है ना जी? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं न्याय होना चाहिए, न्याय हो रहा है तो यहाँ पे मंदिर होना चाहिए वहाँ मस्जिद बन रहा है, मार मस्जिद को तोड़ दिए और उन्हीं के प्रशासन 9 को गोली मार के मुंह आ दिए, वाह रे, बड़ी इंसाफ की बातें कर रहे हैं। जब बिल्किस बानो जैसी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, जब हरियाणा में नू में अत्याचार हुआ वो ऐसे जगह पे इंसाफ नहीं मिला, पहलवान बेटी को इंसाफ नहीं मिला, जो यहाँ पे आप देख लीजिए जो पूरा ओपन करके घुमाया गया मणिपुर में, उन बेटी बहन को इंसाफ नहीं मिला, तो हमारे और आप जैसे लोगों को इंसाफ मिले? सारे लोग तो इस चीज को न्याय मान रहे हैं जी, न्याय संगत दे रहे हैं, आप कह रही है कि नहीं हो, गलत हो रहा है। संगत कोई नहीं दे रहा, जनता जान गया है, मोदी भगाओ देश बचाओ, बेटी सेफ रखना है, मोदी भगाना तय है। और ये आप जान लीजिए जब तक है मोदी जी, अभी है रहे कोई बात नहीं, राम मंदिर जिस दिन बन के तैयार हुआ था ना पूरे देश में दीप जलाया गया था, तो कहीं ना कहीं जनता पूरे सपोर्ट में है तब तो। अरे सपोर्ट में क्या, मंदिर मंदिर मस्जिद रहता मैं भी जाती, मजार रहता मैं भी जाती, गुरुवार होता तो वो लोग भी जाते, सब कोई अपना अपना धर्म सब कोई मानता ही है, इनके धर्म बनाने से थोड़ी कोई बन जाएगा, हिंदू तो अपना खुद पेट से पैदा होता है, इनके बनाने से कोई बन जाएगा जी, इनके बनाने से बन जाएगा। मोदी मतलब क्या, मोदी मतलब अवतार, मोदी मतलब आई हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद दंगा करिए बलात्कार करवाइए, मोदी मतलब अवतार भगवान का अवतार वही। अरे सुनिए ना, भाजपा में आइए आप फिर तो एकदम राजी राज है, पूंजीपतियों को बलात्कार, आप मोदी का नाम लीजिएगा, अडानी का नाम लीजिएगा, आप अमित शाह का नाम लीजिएगा और सच बोलिएगा ये लोग ऐसे हैं कि जेल में उठाएंगे बंद कर देंगे, यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप एक बात बताइए ना, 9 साल में कितना रोजगार दिए, कितना नौकरी, 5,596, अरे कितना मिला है ये जनता देखिए ना, कितना भुखमरी बढ़ गया, वेकेंसी दिए ना जी 5,596, कितना दिए
हवाई अड्डा भी रह गया, एम्स भी बना। हम भी कहते हैं एम्स में इलाज करवाने के लिए, आपको नहीं पता है दरभंगा में इतना ना एम्स बना दिए हैं कि मतलब वहाँ पे मरीज कम है डॉक्टर ज्यादा है। इसका मतलब एम्स है ही नहीं है, एयरपोर्ट है ही नहीं है। मोदी जी का सिर्फ मुंह बोलता है, कुछ करता नहीं है। जहां जाते हैं वहीं पे बेटा हो जाते हैं। तो रही बात, अब इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जनता संभल गया है, जनता जान गया है, अब इनकी औकातें जनता बता दी। हरी झंडी मिल गई है 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार से। अच्छा, इसको जीत को आप कह रहे हैं हरी झंडी। एक बात बताएं, जनता इनकी औकातें दिखा देगी। रही बात पलटू चाचा की, इनको पलटने दीजिए। अरे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हमारे जरा सा फर्क भी नहीं पड़ता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे वो व्यक्ति हैं, वो शेर है। जब रोड पे निकलते हैं ना तो अच्छा अच्छा गीदर भी छुप जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी नसीमा जमाल, जो आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बातचीत हुआ। इनके बात से आप कितना सहमत है, कितना परसेंट सहमत है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।